हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ आलू चना की इतनी बेहतरीन सी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाने के लिए हमें अलग से कोई एफर्ट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी झटपट ये बनकर तैयार होती है और इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है कि आप अगली बार जब भी आलू चना की सब्जी बनाने की सोचेंगे ना, तो बस इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आलू चना बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो आलू चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने लिए हैं, काले चने, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रख लिया था। साथ ही मैंने आलू लिए हैं, तो मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसे मैंने बस ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज़ के 2 से 3 टुकड़ों में ही बस काट लिया है। आप चाहें तो छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं। साथ ही लिए हैं मैंने प्याज, तो मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं। साथ ही लिए हैं 2 टमाटर, करीब 12 से 15 लहसुन की कलियां, 1 इंच के लगभग अदरक। साथ ही लिए हैं कुछ मसाले, मसाले जो रोज के होते हैं, बस वही है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, गोटा जीरा, और साथ ही लेंगे हम सूखी जो लाल मिर्च होती है ना तड़के के लिए, वो लेंगे, तेज पत्ता लेंगे और कुछ खरे गरम मसाले लेंगे। खरे गरम मसाले में 1 मोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1/2 इंच के लगभग की 1 दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री के फूल छोटे से, और करीब 6 से 7 लौंग, और साथ ही 1 छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी लेंगे। इस कसूरी मेथी से बहुत ही लाजवाब टेस्ट आती है। अब एक मसाला बनाकर पहले हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और साथ ही लहसुन ले लेंगे। लहसुन की मैंने 12 से 15 कलियाँ ली हैं और 2 टमाटर, दोनों को मैंने काट लिया है, और इसे एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक कुकर में मैंने डाल लिया है करीब 2 बड़े चम्मच के आसपास तेल। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा के साथ ही हम डाल लेंगे यहाँ पे लाल मिर्च और तेज पत्ता। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के आसपास हींग। हींग से सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, और साथ ही चना या काबली चना, ये सब जब हम बनाते हैं, जब काले चने या काबली चने बनाते हैं, तो उसमें हींग गैस बिल्कुल भी बनने नहीं देती है। अब जब थोड़े से ये मिक्स हो जाएं, तड़क जाएं, तब हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए प्याज। मैंने जो 4 प्याज लिए थे, उसे मैंने बिल्कुल भी बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ी इससे बड़ी भी काट सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चॉपर में ही चॉप करना है, पर जल्दी गलाने के लिए चॉपर में मैंने डालकर चॉप कर लिया है। जितनी बारीक आप काट सकें, उतना बारीक आप इसे काट लीजिए। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जब प्याज कलर बदलने लगे, यानी कि जब हल्का सुनहरा होने लगे, तब हम प्याज के भुनने की प्रोसेसिंग को रोक देंगे। ये देखिए, प्याज अब हल्की हल्की सी कलर चेंज करने लगी है, हल्की हल्की सुनहरी होने लगी है। तो इस टाइम पर एक बार प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चने डाल देंगे, जो हमने चने को भिगो करके रखा है ना। यहाँ एक टिप्स देती हूँ, अगर चने आप भिगोना भूल जाएँ तो इसके लिए क्या करें, चने को गुनगुने पानी में 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देंगे, तो चने बिल्कुल भीग कर तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आलू भी डाल दिया है, और दोनों को अब हमें प्याज के साथ भुनना है। करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें प्याज को चना और आलू के साथ हमें भून लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से। करीब 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे जितने सूखे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 बड़े चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर डाल लिया है धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच के आसपास हम डाल लेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/2 छोटी चम्मच मैं डाल लूँगी कलर वाली देगी मिर्च, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छी सी आ जाएगी, और 1/2 चम्मच के आसपास हम डाल लेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी मसाला ऐड करना है टमाटर वाली, तो टमाटर डालने के समय में हमें नमक डालना ही होता है, तो मैंने पहले ही डाल लिया है, ताकि मसाले को और आलू को भुनने के लिए काफ़ी थोड़ा सा समय मिल जाएगा, और थोड़े से ये अच्छे तरीके से पकने भी लगेंगे। अब एक बार इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल लेंगे खड़े मसाले। आपने देखा कि हमने खड़े मसाले तेल में नहीं ऐड किए थे, क्योंकि तेल में हमने हींग डाला था, तो हींग के जलते जलते गर्म मसाले भी ज़्यादा पक जाते, इसलिए हमने तेल में इसे नहीं डाला था। इस टाइम पे हम इस सारे गर्म मसाले को डाल लेंगे, जितने भी खड़े गर्म मसाले हैं, और इनको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और एक बार फिर से सब्जियों को ढककर
करीब 5 से 6 मिनट तक के लिए वापस से भून लेंगे। करीब 5-6 मिनट के बाद मैं आपको दिखला रही हूँ कि सब्जी का मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है और सब्जी से तेल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। बस इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बना करके रखा था। ध्यान से देख लीजिए, ये टाइम बहुत ज़रूरी है। जब तेल रिलीज़ होने लगे मसाले से, बिल्कुल उसी समय हमें यहाँ पर टमाटर वाली जो पेस्ट हमने बना के रखी थी वो ऐड करनी है। अब ये इसे भी एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्लेंडर के अंदर जो थोड़े से मसाले लगे हुए थे मैंने उसमें थोड़ी सी पानी डालकर भी इसमें मिक्स कर ली है ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से निकल जाएं। और अब एक बार मिक्स करने के बाद मैंने इसे ढक दिया है और ढक कर करीब 5 से 7 मिनट तक के लिए फिर से इसे पका लेंगे। अब देख सकते हैं कि टमाटर का पानी और जो हमने थोड़ी सी पानी डाली थी वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब इस टाइम पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने ली है। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चने की सब्ज़ी में, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से इसे हाथों से क्रश करके फिर हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद वापस से करीब 1 से 1.5 मिनट तक मसालों को भून लेंगे ताकि कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए, मैंने करीब 2 मिनट के लिए मसालों को और भुना था जिससे कि सारे मसाले काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी कितना ऐड करें? इतनी पानी डालेंगे जितने कि जिसमें सब्जी जो है बस डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चना और आलू भुनते भुनते ही काफ़ी अच्छी पक चुकी है। ये देखिए, मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया है। जितनी ग्रेवी आपको डालनी है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ग्रेवी डाल सकते हैं, क्योंकि आलू बॉयल होने के बाद और अच्छी हो जाएगी, सॉफ़्ट हो जाएगी, तो थोड़ी सी ग्रेवी ऐसे भी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी पानी नहीं डालेंगे। चने की सब्ज़ी में थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। अब यहाँ मैंने पानी डाल ली है। अब इस जगह पे हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। अब कुकर में कम से कम 3 सीटी आने देंगे या तब तक जब तक कि कुकर की सब्ज़ी पक ना जाए। आपके कुकर में कितनी सीटी में बनती हैं उस हिसाब से इसे पका लेंगे और जब कुकर अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए फिर हम इसे खोल कर देख लेंगे। ये देखिए, सब्ज़ी का कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है। यकीन मानिए, खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी अनुभव मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए, काफ़ी अच्छी ग्रेवी भी है सब्ज़ी में और आलू भी बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो इसी तरीके से हमें अंदाज से कुकर की सीटी लगानी है। मैं आपको एक चना तोड़कर दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है जिसे हम हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं। और आलू को भी दिखाऊं तो आलू भी काफ़ी अच्छे पक कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से टूट जा रहे हैं। तो बस यही अंदाज रखना है हमें सीटी का जिससे कि चना और आलू काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बनाइए और घर में हर तरफ से बस तारीफ ही तारीफ पाइए। इसे आप रोटियों के साथ, पूड़ियों के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और अगर सच्ची कहूँ तो चावलों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो चावल, पूड़ी या रोटी, जिसके साथ भी आपका मन करे वैसे इंजॉय करे ये बहुत मज़ेदार सी चना आलू की सब्जी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। और साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप, एक लाइक तो बनती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और मज़ेदार सी सब्जी या फिर कोई और नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।